Good evening, everyone. Good evening, Pragati, Sumit, Simi, Shashi Bhushan, Devanand, Kushbu, Sumit. Very good evening. जी चंद्रा यादव, चंदा यादव, ये नेट सेकेंड पेपर की क्लास है एजुकेशन सब्जेक्ट की. वेरी गुड इवनिंग. चलिए मोस्टली लोग जुड़ चुके हैं तो हम स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस आज का हमारा टॉपिक है. वेरी गुड इवनिंग. चलिए इमोशनल इंटेलिजेंस. जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ई आई. और जब हम इसमें टेस्ट का यूज करते तो ये हो जाता है EQ. वर्तमान में बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत, इंटेलिजेंस थ्योरी के अंतर्गत, नहीं एप्लीकेशन की क्लास आज मर्ज है यूट्यूब पे. आज सिर्फ यूट्यूब पे कंबाइंड क्लास चल रही है. हाँ, इस समय सबसे ज्यादा अगर इंटेलिजेंस में कोई थ्योरी सबसे ज्यादा कहते ना फ्रंट पर है, या सबसे ज़्यादा अगर इस चीज़ को कहते ना इंटेलिजेंस पे फ्रंट पे रखा जा रहा है, और अगर किसी का इंटेलिजेंस लेवल टेस्ट किया जाता है तो IQ से भी ज़्यादा अगर कोई चीज़ टेस्ट की जा रही है किसी भी एग्ज़ाम में, स्पेशली NDA का हो गया, या एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया, ब्यूरोक्रेसी का हो गया, या अदर लेवल के कोई भी एग्जामिनेशन है, तो IQ से भी ज़्यादा अब जो चेक किया जाता है वो EQ चेक किया जाता है. और इसलिए वर्तमान में मोस्टली जैसे UGC है या अदर एग्जाम्स हैं, उसमें इंटेलिजेंस की मोस्टली थ्योरी में से ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ. एग्जाम मर्ज कर दिया गया है लेकिन अभी इस पर क्वेश्चनिंग हो रही है, तो लेट्स सी. फिलहाल डोंट वरी अबाउट दैट. देखो हमेशा चंदा यादव, हमेशा अपनी तैयारी अच्छी रखो. डरो तब ना जब प्रिपरेशन नहीं है. अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो डजंट मैटर, मर्ज भी कर दिया कुछ भी कर दिया, क्योंकि आपको एक सीट लेनी है. नई नई क्लास एप्लीकेशन पर रिकॉर्ड होगी, यूट्यूब पे लाइव चल रही है. तो चलिए कम टू द पॉइंट. हाँ, मैं कह रही थी कि इमोशनल इंटेलिजेंस इस समय सबसे ज़्यादा फ्रंट पर है हमारी सोसाइटी में. एक कहते हैं एक अच्छी पर्सनालिटी या अच्छा एक अच्छा ग्रेसफुल अपीयरेंस अगर किसी का चेक किया जाता है तो उसके इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल से चेक किया जाता है. इंटेलिजेंस में IQ लेवल तो दैट्स अ नॉर्मल थिंग, 90 से 120 चलती है, पर इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसा क्या है इसमें जो एक्चुअल में व्यक्ति की व्यक्तिगतता, इंडिविजुअलिटी, व्यक्ति के व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी को अपेयर, मतलब एक्चुअल में ना वो फ्रंट पे कहते हैं ना उसको एम्ब्रेस करती है, मतलब उसको एक्चुअली उसकी पर्सनालिटी का आधार बनती है. कि अगर एक व्यक्ति अच्छा IQ लेवल का है पर अगर उसका EQ या EI अच्छा नहीं है तो व्यक्ति की पर्सनालिटी और इंडिविजुअलिटी और उसका अपीयरेंस, उसका कॉन्फिडेंस बहुत निल हो जाता है. लेकिन एक व्यक्ति के पास अगर IQ प्लस EQ का कॉकटेल बनता है या EQ उसका बहुत अच्छा होता है तो वो बहुत अच्छे से दुनिया में सफल हो सकता है और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकता है. कम IQ चलेगा पर लो EQ नहीं चलेगा. ये अब इंटेलिजेंस थ्योरी के अंतर्गत का है. और जब मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ा रही थी तो मैंने उसमें कहा भी था कि अब जो दौर है बुद्धि का वो इमोशनल इंटेलिजेंस का दौर है, और इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ साथ सोशल इंटेलिजेंस का दौर आया, और सोशल इंटेलिजेंस के साथ साथ ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, इन्हीं सब चीज़ों को तो अब देखा जाता है. तो चलते बेसिक चीज़ें कि इमोशंस किस कहते किसे हैं. आज ये सिद्धांत की बात अगर हम करें तो व्हाट इज़ एग्जैक्टली द इमोशंस. बहुत सारे शब्द आते हैं इमोशंस में. भावना, अगर हम वर्ड यूज करें, द वर्ड इज सो मैनी वर्ड्स. भावना, संवेग, फीलिंग, और भी बहुत से शब्द हैं. संवेदना, भावुकता,
और भी बहुत है, हम अभी इतना ही लेके चलते हैं। ये सब शब्द हैं जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस कैरी करता है। तो ये शब्द एग्जैक्टली है क्या? भावना। जब हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, जब हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं और फिर भी बहुत कुछ कह जाते हैं, तो वो हमारी भावना है, अशाब्दिक, जिसमें हम शब्दों का प्रयोग ही नहीं करते। बिना मेरे शब्दों का प्रयोग किए बिना ही आप मेरे मन के भावों को समझ जाएं। पर अगर हम शब्दों का प्रयोग नहीं करें तो आप समझेंगे कैसे? हमारे फेशियल एक्सप्रेशन और हमारे व्यवहार से, कार्य व्यवहार से। कार्य व्यवहार के आधार पर ही मनुष्य की भावना को समझा जाता है। आप तो जरा एक बार जरा सोचिए, रामायण काल में एक बहुत फेमस इंसिडेंट है, कोप भवन। कैकेयी जब रोने जाती हैं तो कोप भवन में जाती हैं, जहाँ पे दशरथ जी जाते हैं उनको मनाने के लिए। आप एक बार सोचिए, कोप भवन में जाने की जरूरत क्या है? अगर इंसान को रोना है, इंसान फ्रस्ट्रेट है, इंसान डिप्रेस्ड है, इंसान गुस्से में है, तो कहीं भी हो सकता है। वट इज द नीड्स टू गो टू कोप भवन? जस्ट थिंक अबाउट दैट। मतलब उस समय का समाज भावना प्रधान होता था, रेदर देन वर्ड्स। मतलब शब्दों से ज्यादा, वर्बल एक्सप्रेशन से ज्यादा, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन पे ज्यादा बल दिया जाता था, अशाब्दिक व्यवहार पे। मतलब समाज भाव प्रधान हुआ करता था, इसलिए पर्टिकुलर उस समय के लोग बोलते कम थे, एक्सप्रेस ज्यादा करते थे, और इंसान उस एक्सप्रेशन को समझता था। ये वो समय है। और अब उसी चीज को थोड़ा सा और इधर लेकर के अगर हम आते हैं, मोहन जोदड़ो की लिपि सोचिए आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, क्योंकि वो भावना प्रधान है। वो लिपि सोचिए आज भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, भावना प्रधान है। वहां पे मन की चंचलता को मछली से डिनोट किया गया है। मछली चंचल होती है, तो मन की चंचलता, जितनी भी लिपि उसमें मेंशन है, देखिए पूरे विश्व की लिपि पढ़ी जा सकी, पर मोहन जोदड़ो की लिपि अभी भी पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी है। तो सोचिए भावना कितनी बड़ी चीज है, कि हम इस चीज को कितने लेवल पे समझ सकते हैं। मतलब भावना प्रदर्शित करना बड़ी बात नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस ये नहीं कहता। इमोशनल इंटेलिजेंस कहता है कि भावना जो व्यक्ति प्रदर्शित कर रहा है बिना शब्दों का प्रयोग किए, उसको सामने वाला कितने अच्छे से समझ सकता है। तो यहाँ पे समझना इम्पॉर्टेंट है कि हमारा मानसिक स्तर किस लेवल का है, कि हम किसी की ना कही गई बातों को भी बहुत आसानी से समझ सकें। और सच में अगर हम किसी की भावना को नहीं समझ पा रहे, तो हमसे ज़्यादा लो आईक्यू लेवल का कोई नहीं हो सकता। एक अच्छा आईक्यू लेवल रखने का क्या मतलब है, जब आप किसी की भावना को पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। इसीलिए कहा गया कि लो आईक्यू चलेगा, पर एक लो EI या EQ वाला व्यक्ति एक अच्छा व्यक्तित्व वाला नहीं माना जाता है मनोविज्ञान की दुनिया में। तो चलते हैं आगे। PGT की बुक के लिए आप PD पाठक लीजिए। अगर आप PGT लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो PD पाठक बेस्ट है, और बहुत थोड़ा सा अप में जाना है तो SB गुप्ता। चलिए, ये तो हो गया भावना, अशाब्दिक व्यवहार, ये हमारी भावना है। फिर आता है संवेग। संवेग क्या है? संवेग क्या है? जब हम उस भावना को प्रदर्शित करते हैं, तो वो हमारा संवेग कहलाता है। प्रदर्शन की भी कुछ तीव्रता होती, वेग। संवेग है ना, वेग मतलब वेलोसिटी, इंटेंसिटी, तीव्रता। अब जैसे गुस्सा आ रहा है तो कितनी तेज आ रहा है? ऑब्वियसली अगर हमें गुस्सा आता है तो हम मर्यादित वे में ही तो गुस्सा करते हैं ना, अपने घर में। हम सब साइकोलॉजी के हैं, अगर हम कहें, अगर हम ईगो के आधार पर, ईगो और कॉन्शियस के आधार पे गुस्सा करते हैं तो मर्यादित गुस्सा करते हैं। हाँ, ईद के आधार पे करेंगे तो हम एकदम जानवर की तरह तो बिहेव करेंगे, पर हम इंसान हैं, जानवर तो है नहीं। तो क्रोध करने की भी मर्यादा होती है, किसी भी चीज़ को, कहते हैं ना, एक प्रेम को भी व्यक्त करने की भी एक मर्यादा होती है। जो डेकोरम होता है ना, वेग, आप उस वेग को कितना कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण अपने संवेगों को, अपनी भावना को, या अपने उमड़ रहे भावनात्मक या इंथुजियास्टिक एस्पेक्ट की वेलोसिटी, इंटेंसिटी को आप कितना कंट्रोल, कितना नियंत्रण रख सकते हैं, ये है संवेग। मतलब आपका अपनी भावनाओं पे नियंत्रण कैसा है। नॉर्मल सी बात है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें रोना आता है, पर हम नहीं रोते, हम कंट्रोल कर देते हैं, हमारा हमारे संवेग पे कंट्रोल है। पर कई लोग ऐसा नहीं कर पाते, उनका नियंत्रण नहीं है। हमें कई बार ऐसी जगह, कई बार ऐसा होता है, हमें बहुत तेज किसी पे गुस्सा आ रहा होता है, पर हम पब्लिकली उसको कुछ कह नहीं सकते किसी भी वजह से, तो हम अपने गुस्से को पी जाते हैं। तो ये समझदारी ही तो है ना, कि हमें पता है कि हमें गुस्सा कहाँ दिखाना है, हमें ये भी पता है कि हमें गुस्सा कहाँ नहीं दिखाना है। सेम यही चीज़ ये भी है कि अगर हमें ये पता चले कि मान लीजिए हमें कोई पसंद आ रहा हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो अब जाकर के तुरंत थोड़ी ना हम ऑफर कुछ करने लगेंगे। पसंद आ रहा है तो हम भी वहाँ पे बहुत डेकोरेम के साथ ही बिहेव करते हैं। तो वी हैव अ कंट्रोल आवर इमोशंस, दैट इज अ संवेग। मतलब इसका मतलब है भावनाओं पर नियंत्रण, भावना पर नियंत्रण।
अब है हमारा फीलिंग, किसी चीज को महसूस करना। महसूस से यहाँ पे करने का मतलब है, फीलिंग को महसूस करना कहते हैं, कि आप किसी भी सिचुएशन या परिस्थिति में हैं तो उस चीज को महसूस कर रहे हैं किस सेंस से। यानी कि यहाँ पे इसका अच्छा उदाहरण हम ये देंगे कि अगर आपके सामने एक वात्सल्य प्रधान कोई सीन चल रहा है तो ऑब्वियसली आप के मन में एक इमोशंस आएगा, एक पॉजिटिव इमोशन आएगा। आपके सामने अगर मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा ऐसा सीन चल रहा हो कि जिसमें कुछ एट्रोसिटी, अत्याचार जैसा कोई सीन चल रहा है, तो आपके अंदर गुस्सा आएगा ही। आपके सामने अगर कोई बहुत कहते हैं ना, एक कूल फ्रेंडशिप वाला कोई सीन चल रहा है, तो आपके अंदर एक नॉर्मल फनी टाइप का एक्सप्रेशन आएगा ही आएगा। तो फीलिंग का मतलब यही है कि आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसको आप महसूस कर रहे हैं। महसूस बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। हम अपने घर में, जरा आप लोग कभी अपना AI चेक करना हो तो इस एस्पेक्ट पे बहुत अच्छे से चेक कर सकते। जैसे आप घर पर हैं, घर पे हमेशा हमारी मदर्स काम करती हैं, तो कभी ये सोचो कि कभी मम्मी के काम को मदद करने की, जैसे मान लीजिए मम्मी ने कोई हैवी बाल्टी उठाई है, ऑब्वियसली भाग के जाते हैं, रुको मम्मी हाँ पकड़ लेते हैं। मतलब यू कैन फील योर मदर्स वर्क। आसपास ऐसे बहुत होता है, भाई बहन के काम, दोस्तों के काम, वो कोई काम कर रहे हैं, आप उनके साथ कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए आ रहे हैं, आप उसके काम को समझ रहे हैं, उस पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने जा रहे हैं। ये होता है महसूस करना। मतलब सामने वाला इंसान जो भी कार्य व्यवहार कर रहा है, उसके कार्य व्यवहार के तरीके और प्रारूप और व्यवहार के अभिव्यक्ति वाले एस्पेक्ट को महसूस करना। मतलब आपके इमोशनल इंटेलिजेंस में आप अपना नहीं, आपके आसपास जितने लोग हैं उन लोगों की भावनाएं कैसे अभिव्यक्त हो रही हैं इसको समझना, ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। अपना नहीं समझना, आपको अपना नहीं समझना है। अपना समझ रहे तो इंडिविजुअलिटी होगी, पर आप दूसरे का समझ रहे हैं, और जब दूसरे का समझ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति ही है जो दूसरे की भावना, दूसरे के इमोशंस, दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकता है। तो फीलिंग का मतलब यही है कि आपके आसपास जो भी व्यक्ति है, वो जो भी कार्य व्यवहार या जो भी एक्सप्रेशन दे रहा है, आप उससे कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो महसूस में एक तरीके का कनेक्शन, संबंध बनता है। संबंध मतलब कनेक्शन, कनेक्शन। आप लोग ने हॉलीवुड की एक फिल्म थी ना अवतार, अवतार फिल्म बहुत फेमस फिल्म थी, इंटरनेशनली बड़ी फेमस हुई थी। उस फिल्म में जब जो लीड एक्टर है, जब वो पेंडोरा की बॉडी, पेंडोरा वासियों की बॉडी में अवतार लेता है, तो वहाँ के कुछ तौर तरीके कल्चर को वो सीखता है। तो जो उसकी लीड एक्ट्रेस होती है, वो वहाँ के तौर तरीकों को सिखाने के लिए बार बार यही कहती है, महसूस करो, महसूस करो। मतलब जब उसको एक सवारी सिखाती है कि वो वहाँ का जो घोड़ा है उन पेंडोरा का, उस उन लोगों में कुछ कनेक्शन होता है ना, कि घोड़े की पूंछ के बाल और पेंडोरा वासियों के बालों को ऐसे जोड़ देते थे, फिर हार्ट टू हार्ट कनेक्शन से उनकी सवारी और राइड बनती थी। ये बहुत बड़ी फीलिंग है इमोशंस की। अवतार फिल्म में सबसे अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंस समझाया गया है। और सेम वहाँ पे वो लोग उड़ने वाले पक्षियों पर भी सवारी करते थे, तो ये भी वही था, कनेक्शन बनाते थे, महसूस करते थे, तुम उसको समझो वो हमें समझे। तो कनेक्शन बनाना इज जस्ट लाइक अ फीलिंग, इमोशन। तो ये हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस में आता है। चलिए नेक्स्ट है संवेदना। संवेदना एक तरीके का वो है कि आप किसी की तकलीफ को किस हद तक समझ सकते हो। मतलब दूसरे की तकलीफ को समझना, दूसरे की तकलीफ को समझना संवेदना कहलाता है। संवेदना समान रूप से हमारे पास आपके संदर्भ में वेदना है। और अगर आप दूसरे की तकलीफ से कनेक्शन कर ले रहे हो तो मतलब आप एक संवेदनशील व्यक्ति हो। और इमोशनल इंटेलिजेंस में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, संवेदना। फिर आता है भावुकता। दूसरे की तकलीफ देख करके आप कितना इमोशनली खुद को क्रैश कर लेते हो। इमोशनली क्रैश मतलब आप खुद कितने ज़्यादा भावुक को, इतना सेंस कहते हैं, आपको भी किस हद तक दुख होता है। आपको भी कितना कष्ट होता है। मतलब तकलीफ को समझना और उसी तकलीफ को समझते हुए, मतलब भावुकता में आंखें गीली होती जरूर है, आंखें गीली होती हैं, गला भारी होता है। ये एक तरीके की हमारी भावुकता है कि हम दूसरे के इमोशंस को समझ करके हमें इक्वेलेंसी के साथ एक भावना आ रही है और आंखों से आंसू अपने आप निकल रहे। जैसे जब भी मार्चियाज होते हैं, मतलब कोई शहीद होता है हमारे देश में, तो कैसे हम लोग अपने आप, जैसे शहीद की वो जाती है ना, सवारी जाती है, उसको देख करके एक देशभक्ति की भावना के साथ साथ आंख में आंसू भी अपने आप आते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया में उसके पीछे कितना ज़्यादा बैकग्राउंड में सॉन्ग भी है उस फिल्म का,
केसरी फिल्म का, तेरी मिट्टी में मिल जावा एंड ऑल दैट, जब वो गाना बजता है और किसी माठियार की मतलब डेड बॉडी जा रही होती है, तो अपने आप आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये है भावुकता कि हमें सामने चल रही चीज़ों के संदर्भ में समझ के साथ साथ हमारी आंखें भी गीली हो रही है और हमारा गला भी भारी हो रहा है। आंखें गीली होना बहुत बड़ी बात है इमोशनल इंटेलिजेंस में। अगर नहीं गीली होती तो समझ लो पत्थर दिल के हो। नहीं अर्जुन सिंह, रोना इज नॉट अ इमोशन। आप अपने को लेके रो रहे हो, ये आपकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है या व्यक्तिगत चीजें हैं, ये आपका व्यक्तिगत कोई इशू है। पर इमोशनल इंटेलिजेंस में ये सारी चीजें दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से चलनी है। ये ध्यान दिखेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस में सब कुछ दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है, हमारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। और फिर भावुकता के बाद अगर हम चले, क्रोध आ गया, अलग अलग है। आपको मैं बताऊं कि मोर देन 3 to 5 thousand के आस्पेक्ट, मतलब 5,000 के लगभग इमोशंस हैं जो आपके गोल्डमैन जी ने दिए हैं। मैंने तो अभी 4 ही 5 लिखे हैं। बेसिकली इन्होंने क्या बताया कि इन सारे इमोशंस को समझने की योग्यता जिस व्यक्ति में जितनी होती है, उसका इमोशनल इंटेलिजेंस उतना ही कहलाता है। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही थी कि इमोशंस कहते किसे हैं। इसी चीज़ को अगर आप समझ ले रहे हैं तो मतलब आपके अंदर सांवेगिक बुद्धिमानी है। और अगर आप नहीं समझ पाते हैं या समझने के बाद, कहते हैं ना सरसरी निगाह से देख के समझ के वहां से हट जाते, तो आप में सांवेगिक बुद्धिमानी नहीं है। तो सांवेगिक बुद्धिमत्ता का मतलब ही यही है कि आप सामने वाले के फीलिंग और इमोशंस को समझ करके उसके संदर्भ में कोई ना कोई एस्पेक्ट आपका उभर के आता ही आता है। अगर आ रहा है तो मतलब आप में ईआई है, नहीं आता तो मतलब आप में ईआई नहीं है। तो ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। हाँ, बेटी की विदाई पे पिता को आंसू आना, बिल्कुल सही। हाँ, और सोचिए जब विदाई वाला सीन होता है तो सोचिए माँ बाप घर वाले तो रोते ही रोते, अब सोचिए उस समय जितने भी लोग होते हैं जिनका उस बेटी से कोई कनेक्शन नहीं होता, वो भी रोते हैं। मतलब भावुकता ही तो है, तभी तो रो रहे, किसी दूसरे को देख के रोते हुए भी रोना शुरू कर देते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम मेन एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अभी तो मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट पे पढ़ा रही थी, समझा रही थी, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि इमोशंस कहते किसे हैं। अब इसी इमोशन को अगर आप समझ सकते हैं तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, सांवेगिक बुद्धिमानी है। अब किस लेवल पे आप समझ सकते हैं उसके लिए टेस्ट, सॉरी उसके लिए ईक्यू टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। तो चलिए अब हम अकॉर्डिंग टू एग्जाम चलते हैं। हाँ, आजकल कश्मीर फाइल फिल्म्स भी देख करके जो इमोशंस आते हैं ना सबके अंदर, बिल्कुल। और मैं इस चीज़ को सच में कहूँगी, अगर कश्मीर फाइल देखने के बावजूद भी कोई कहे कि फिल्म प्रोपगंडा है, फिल्म ये है, फिल्म वो है, मतलब वो व्यक्ति इमोशनलेस है। एक वास्तविक चीज़ों को, वास्तविक घटना को देख के आप उसकी वास्तविकता को कैसे नकार सकते हो? तो ये वास्तविकता है। और अगर आपकी सिंपैथी और एम्पैथी इस चीज़ को लेके नहीं बनती, दिस मीन्स यू आर नॉट इमोशनल। और एक इमोशनल व्यक्ति कभी भी हार्ड स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता किसी चीज़ के भी रिगार्डिंग, और किसी भी गलत चीज़ को जस्टिफाई भी नहीं कर सकता। एक इमोशनलेस व्यक्ति ही गलत चीज़ को या सही चीज़ को जस्टिफाई और नॉन जस्टिफाई के वे में चलता है, हमेशा न्याय की बात करता है इमोशनल इंटेलिजेंस। चलिए तो चलते, सबसे पहला पॉइंट इमोशनल इंटेलिजेंस में, 1985 में एक व्यक्ति थे वेन पाइने। वेन पाइने, इन्होंने सबसे पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था। सबसे पहली बार कैसे ना, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस वर्ड इन इमोशनल इंटेलिजेंस, सांवेगिक बुद्धि जैसा शब्द पहली बार पूरे विश्व में अगर किसी व्यक्ति ने सबसे पहले यूज किया है तो वो वेन पाइने जी थे, 1985 के आसपास। इन्होंने बकायदा इस पे एक पीएचडी, इनका थीसिस का टॉपिक ही यही था। पर बात ये थी कि 1985 में इन्होंने थीसिस के टॉपिक में एक वर्ड यूज किया था इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें इन्होंने बुद्धि के आधार पे किस तरह से हम दूसरों की बुद्धि या दूसरों के संवेग भावना इन सब चीज़ों को समझते हैं, इसके रिगार्डिंग इनका पूरी थीसिस थी। तो शब्द यहीं से ईजाद हुआ था, पर चूंकि ये रिसर्च स्कॉलर थे, शब्द एक ईजाद किया था तो ईजाद हुआ, बात खत्म हो गई, डिस्कशन हुआ, पीएचडी हुई, फाइनल वाइवा हुआ, चीज़ें खत्म। बहुत ज़्यादा हाइप नहीं मिला इनके इस चीज़ को। सबसे पहली बार अगर हाइप मिला था तो 1990 में, 1990 में हाइप दिया था सबसे पहले पीटर सेलोवी। आप पीटर सेलोवी को हिंदी में सेलोवी और सेलोभी दोनों लिखते हैं, पर
पर इंग्लिश में सिर्फ सेलोवी लिखते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेट का ऑनलाइन फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है, आप परेशान नहीं होइए। जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक एग्जाम भी हो जाएगा, ये भी डिक्लेरेशन हो गई है। आई थिंक विद इन अ वीक फॉर्म आने की पूरी गुंजाइश है, ठीक है। चलिए, पीटर सेलोवी, जिनको हिंदी में कहते हैं सेलोभी या सेलोवी, और दूसरा नाम था जॉन डी। आप लोग, दो नाम थे सेलोवी और पीट। नेट का फॉर्म इस वीक आ जाएगा, आप परेशान मत होइए। हाँ, इस वीक तक पूरी कोशिश है आने की। चलिए, जॉन डी मेयर, मेयर, ये दो नाम आप जरूर याद रखिएगा। वेन पाइने के बाद 1990 में पहली बार इमोशनल इंटेलिजेंस पर अगर किसी ने विस्तार से काम किया था तो इन्हीं दो व्यक्तियों ने काम किया था, और ये दोनों ही व्यक्ति अमेरिका के थे, दोनों ही व्यक्ति अमेरिका के थे, और इन दोनों ने इमोशनल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग परिभाषा और अन्वेषण, मतलब खोज अन्वेषण, दोनों ही किया था। डिफाइन एंड एक्सप्लोर, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है इसको परिभाषित रूप में पहली बार पूरे विश्व को अगर किसी ने बताया था तो इन दोनों ने बताया था। साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस कितना फार, मतलब कितने लेवल तक जा सकता है, इसके संदर्भ में बहुत विस्तृत लेवल तक की खोज इन्होंने की थी, और इन्होंने इस रिगार्डिंग बहुत लंबी रिसर्च की थी। इस वजह से 1990 से लेके 1993 तक इन्हीं का दौर चला था इमोशनल इंटेलिजेंस पे, और इन 3-4 सालों में इन्होंने इतना डीप रूटली काम किया था कि पहली बार इमोशनल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग इन्होंने एक मापनी यंत्र भी बनाया था, जिसका नाम बहुत फेमस है और जो एग्जाम में पूछा जाता है। नाम है सेलोविक क्रूश। अच्छा, हाँ, पंखुड़ी शर्मा जी, मैं आपको बताती हूँ। ये जो अभी 2021 में 3 दिसंबर को एजुकेशन का पेपर हुआ था, तो उसमें पूछा गया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द का प्रथम बार इस्तेमाल किसने किया था। चूंकि वैन पाइन ने फेमस नहीं है, विस्तार से काम इन्होंने किया था, तो नाम इन्हीं का जाता है। पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल सेलोवी और मेयर ने किया था, और मोस्टली बच्चों ने गोलमेन टिक लगाया है, मैंने देखा है, और बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ था। चलिए, तो चलते इनके इंटेलिजेंस टेस्ट पे। मेयर सेलोवी क्रूशो, इमोशनल इंटेलिजेंस। चलिए, कम टू द पॉइंट। तो ये इतना क्लियर है कि पीटर और सेलोवी और जॉन डी मेयर ने, ये अमेरिका के थे, और इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग पहली बार विस्तृत परिभाषा और उसके रिगार्डिंग बहुत वास्ट लेवल पे कहते हैं ना रिसर्च की थी, और इसके आधार पे इन्होंने एक मापनी बनाई थी। मापनी का नाम था मेयर सेलोवी क्रूशो। यहाँ पे क्रूशो को महत्वपूर्ण या ऐसे करके एक शब्द कहते हैं जो निर्णायक होता है किसी भी इंटेलिजेंस को समझने के लिए। इसको स्पेशली कहते हैं कैरुशो, CARUSO, CARSUO, कारुसो। मेयर सेलोवी कारुसो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये टेस्ट कई बार पूछा गया है। संध्या शैली जी, आप क्या पूछ रही हैं? सोनाली, दोनों का नाम एक साथ पूछा जाता है, किसी एक का नाम नहीं पूछा जाता। मेयर एंड सेलोबी हमेशा शब्द यूज होता है, मेयर एंड सेलोबी, अलग अलग शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, तो इसलिए परेशानी हुई है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MSCEI, और ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि ये परीक्षण मापनी, बुद्धि की ये परीक्षण मापनी किससे संबंधित है? ये सांवेगिक बुद्धि से संबंधित है या भावनात्मक बुद्धि से संबंधित है। क्लियर है इतनी सी बात? अब चलते हैं अगले स्टेप पे। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप,
अब चलते हैं अगला स्टेप। 1990 से 1993 तक मेयर और सेलोभी ने इमोशनल इंटेलिजेंस पे बहुत विस्तार से काम किया, इतने ज़्यादा विस्तार से काम किया कि इन्होंने एक परीक्षण मापनी भी बना दी। अब चूंकि ये बहुत लेवल पे काम कर रहे थे तो इनका काम बहुत बिखरा हुआ था, और हमेशा कहते हैं ना कि जो इंसान वास्तव में निर्माण करता है, वास्तव में किसी चीज़ की उत्पत्ति करता है, वो बहुत सारे एस्पेक्ट पे चीज़ों को विकास कर रहा होता है, उस पर स्टडी कर रहा होता है, तो उसके काम में थोड़ा सा सिस्टमेटिक चीज़ों की कमी होती है, बिखराव बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी के बाद 1996 में, 95-96, कहीं 95 है कहीं 96 है, इसी के बाद फिर आते हैं वास्तव में जिनके नाम से ये थ्योरी प्रसिद्ध है, डैनियल गोलमैन। डैनियल गोलमैन इन्होंने किताब ही लिखी थी इमोशनल इंटेलिजेंस, और जिसमें इन्होंने बकायदा लिखा भी था, इमोशनल इंटेलिजेंस इनकी बुक थी, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस इनकी किताब थी, और इस किताब में इन्होंने बकायदा ये चीज मेंशन की थी कि इन्होंने पीटर एंड सेलोवी के, पीटर सेलोवी और मेयर के काम को आगे बढ़ाया है, और इन्हीं के काम के आधारित होकर के इन्होंने किताब लिखी है। तो गोलमैन ने जो सिद्धांत दिया था, उन्होंने एक्चुअल में पीटर सेलोवी के सिद्धांत को बहुत विस्तार दिया था, विस्तार मतलब उन्होंने 4 ब्रांचेस बताई थी और गोलमैन ने उसको 5 कर दिया था, और उसके 2 कंपोनेंट्स कर दिए थे। चूंकि क्वेश्चन पीटर सेलोवी और मेयर से नहीं आता, सिर्फ इतना पूछता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस पहली बार किसने दिया, शब्द किसने दिया, तो आपको ये याद रखना है। बाकी जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो डेनियल गोलमैन के रिसर्च से आते हैं। तो हम यहाँ पे अब डायरेक्ट डेनियल गोलमैन के कंपोनेंट्स पे चलते हैं, और डेनियल गोलमैन के जो 5 एस्पेक्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस, हम उस पे चलते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? सांवेगिक बुद्धि परीक्षण के जनक डेनियल गोलमैन को माना जाता है, पर पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था निशा सेलोवी और मेयर जी ने। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन यूजीसी में पूछा गया है, और यही क्वेश्चन का आंसर भी सही था कि प्रथम बार इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया है। तो चलते हैं अब ब्रांचेस पे, ब्रांचेस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ब्रांचेस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो यहां पे 2 ब्रांच हम लेके चल रहे हैं। पहला ब्रांच है जो सेलोवी और मेयर ने दिया था, और दूसरा ब्रांच है जो डेनियल गोलमैन ने दिया था। क्लियर है? हम 2 ब्रांचेस पे चल रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इनके ब्रांच पे। सबसे पहला इन्होंने दिया था अशाब्दिक शब्दों को समझना या अशाब्दिक भावों को समझना, अशाब्दिक भावों को समझना, मतलब आपने बोला भी नहीं और चीजें समझ में आ गई। ये सबसे पहली बार ये भावना अगर किसी ने बताई है पूरे विश्व को, तो सेलोवी और मेयर ने, कि हम दूसरे की चीजों को किस तरह से समझ सकते हैं अगर वो व्यक्ति ने एक भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया हो। एक आजकल फ्लिपकार्ट पे एक शो आता है, लेडीज वर्सेस जेंटलमैन, आप लोग देखिएगा जरूर, फ्री है। उसमें एक एपिसोड 17 या 18 में इसी टॉपिक पे बात ही हुई है, लेडीज वर्सेस जेंटलमैन में, जिसपे स्पेशली ये कहा गया है कि, मैंने ये नहीं कहा, उसमें ये कहा गया है कि मोस्टली लड़के इस मामले में बड़े वीक होते हैं, मतलब परसीविंग इमोशंस में बहुत वीक होते हैं, परसीविंग इमोशंस में बहुत वीक होते हैं। उसमें बकायदा ये चीज कहा है कि मान ली कोई भी पार्टनर, पार्टनर मतलब वाइफ या कोई भी, बेसिकली वाइफ, अगर वो कह रही अपने हस्बैंड, अगर हस्बैंड ने उसे पूछा कि क्या तुम ठीक हो, और वो कहते कि हाँ हम ठीक हैं, तो सब चले जाते हैं, दोबारा पूछने भी नहीं आते कि रियल में ठीक हो कि नहीं,
क्योंकि उसमें ये स्टेटमेंट था कि लड़कियां अगर मान लीजिए इमोशनली क्रैश होती है तो वो सीधे बोलती नहीं है कि हम इमोशनली वीक हैं, इमोशनली अपसेट हैं, बस हमारा व्यवहार ऐसा होता है, लेकिन हमारे पार्टनर जो मेल पार्टनर्स होते हैं वो ये चीज़ समझते ही नहीं है। बस उनसे अगर कह दो कि हाँ हम ठीक है, सब ठीक है, तो चले जाते, पूछने भी नहीं आते, नहीं तुम झूठ बोल रही हो, दिख तो नहीं रहा तुम्हारे चेहरे पे, क्या हो गया, ऑल दैट, दीज काइंड ऑफ थिंग, ये मेल में बहुत कम है। और ये बात मनोवैज्ञानिकों ने भी कहा है कि 100 में से 70 महिलाएं इस चीज़ में अच्छी होती हैं और 100 में से सिर्फ 30 पुरुष ही इस चीज़ में अच्छे होते हैं। ठीक है, 100 में से सिर्फ 30, ये फैक्ट है। ये एस्पेक्ट लड़कों में बहुत कम होता है, जब तक उनको आप कहते हैं ना डंडा करके बताओ नहीं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आई हैव अ प्रॉब्लम, तब तक वो नहीं समझते। और जब वही मेल सौभाग्य या दुर्भाग्य से पति बनते हैं तो और मोटी बुद्धि के हो जाते हैं, तब उनको और समझ में नहीं आता। ये उस फ्लिपकार्ट के लेडीज वर्सेस जेंटलमैन शो में कहा गया है, इसलिए कहते हैं ना मीम्स बनता है ना कि सबसे मोटी बुद्धि प्राणी का, सबसे मोटी बुद्धि का प्राणी कौन होता है, तो उसको पति कहते हैं। फिलहाल ये जोक का पार्ट है, लेकिन वास्तविकता भी यही है कि हम किसी के अशाब्दिक भावों को नहीं समझ पाते, और ये सच में बहुत बुरी बात है। आपके आसपास हाँ, अगर एक लड़का या हस्बैंड मान लीजिए वो इमोशनली वीक है और वो कह भी दे अपनी वाइफ को कि नहीं यार मैं ठीक हूँ, वाइफ बार बार पूछती नहीं यू आर नॉट ओके, तुम झूठ बोल रहे हो, या फिर उसको हमेशा इमोशनली उसके साथ वो खड़ी रहेगी, लड़के निकल जाते हैं, अरे ठीक तो बोली ना, कोई बात नहीं, निकल जाओ। तो उस शो में बकायदा इस पे डिस्कशन हुई है हेल्दी, आप लोग वो शो देखिएगा, फ्लिपकार्ट पे फ्री में है वो वीडियो, मुझे भी देख करके बड़ा अच्छा लगा कितनी रियलिटी उसमें बताई गई है इस चीज़ की। हाँ, तो पहला है दूसरों की भावनाओं को बिना कहे समझने की क्षमता, ये सबसे पहली बार अगर किसी ने कहा था तो मेयर एंड सेलोबी ने। दूसरा है संज्ञानात्मक भावनाओं का उपयोग, संज्ञानात्मक भावना की समझ, संज्ञानात्मक भावना की समझ, समझ में आ रही है कि सामने वाले ने कुछ समझा भी दिया है उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, यहाँ पे सीधा मतलब एक तरह से अंडरस्टैंडिंग द इमोशन, अंडरस्टैंडिंग द इमोशन। कई बार होता है ना कि हम अपनी बात किसी को शेयर भी करते थे तब भी उसके पल्ले नहीं पड़ती, तो कहते हैं अरे यार हटो यार, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, हम तुमसे डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये भी वास्तविकता है कि इंसान कुछ आपको बताने की भी कोशिश कर रहा है तभी आप उसकी बात को समझ नहीं पा रहे हो, और ये बात फैक्ट है। हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम या फिर हम कभी भी दुखी होते तो हम सबसे क्यों नहीं शेयर करते, क्योंकि हर किसी के अंदर ये नहीं होता अंडरस्टैंडिंग, और हम ऐसा ही तो इंसान अपनी लाइफ में ढूंढते हैं ना, एज अ फ्रेंड या एज अ एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, की एक ऐसा बंदा मिले जो हमारी चीज़ को समझे, अंडरस्टैंडिंग करे। तो अंडरस्टैंडिंग, ये म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी बहुत कम लोगों के साथ आती है। तो सोचिए कम लोगों के साथ आने का मतलब है कि आसपास के हमारे समाज में कितना सूखा पड़ा है भावनाओं को समझाने और समझने का, और ये बात फैक्ट है, लोग नहीं समझते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है नंबर 3, संज्ञानात्मक समझ के बाद आता है नंबर 3 है भावनात्मक सुगमता, भावनात्मक सुगमता, इसकी इंग्लिश है फैसिलिटेट इमोशन, फैसिलिटेट इमोशन, मतलब आपने किसी की फीलिंग्स को समझ लिया और उसके अनुसार काम भी कर रहा है, फीलिंग्स को समझ के काम करना। जैसे मान लीजिए सामने वाले ने कहा कि मोस्टली होता है, जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल है कि किसी ने कहा कि यार मैं गाना डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, हो नहीं रहा है, मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, मेरा फेवरेट सॉन्ग है, हो नहीं रहा है, आपका अगर बेस्ट फ्रेंड है समझ जाएगा, तो वो बिना आपसे पूछे बिना कुछ कहे वो ट्राई करेगा, आपको बताए बिना भी, और डाउनलोड करके आपको दे देगा, ये लो डाउनलोड हो गया। ये है फीलिंग्स की सुगमता, कि उसने अपनी एक तो बात कही कि हाँ प्रॉब्लम है, आपने प्रॉब्लम सुनी और उस पर काम भी किया और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया, सबसे अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग ऐसे ही बनती है। एक इसमें भी मैं एक मूवी का एग्जांपल दूंगी, शोले फिल्म का। शोले फिल्म में एक हुआ था, एक सीन था कि उसमें जो जय वीरू, जय शायद अमिताभ बच्चन था, तो जय जब मर जाता है लास्ट में, अमिताभ बच्चन, अगर मैं गलत नाम नहीं ले रही हूँ तो अमिताभ बच्चन,
तो जब वो मर जाता है तो जया बच्चन बहुत दुखी हो जाती है, और फिर क्या करती है वहाँ पे उस ठाकुर ने संजीव कुमार उसके उसको उसको हक कर लेती है, मतलब उसके कंधे मतलब उसके चेस्ट पे अपना सर रख लेती है। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और संजीव कुमार के दोनों हाथ नहीं होते। तो ये एक इंटरव्यू चल रहा था, मैंने रेडियो में सुना था, तब जब संजीव कुमार जी जिंदा थे तब उन्होंने कहा था कि उस सीन में पता नहीं क्यों मुझे ये लगा कि काश मेरा हाथ होता और मैं जया बच्चन के सर पे वो हाथ रख देता, क्योंकि शी नीड्स अ इमोशनल बॉन्डिंग, उसको एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी। तो सुगमता का मतलब यही है कि आप किसी के इमोशंस को समझ भी रहे हो और उसके इस अनुसार काम भी कर रहे हो। किसी के इमोशंस को समझ लेना उसके बाद उसके अनुसार काम ना करना, तो समझ के करोगे क्या? करने के लिए इंपॉर्टेंट है ना कि आप उसके अकॉर्डिंग काम, जैसे कोई इंसान कहे कि यार मैं बैंक में कुछ ऑफिशियल प्रक्रिया में फंस गया हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है काम कैसे करना है, उसने मान लो नॉर्मल वे में ये चीज़ कही, तो आप क्या करोगे? सुगमता क्या है? उसके साथ जाओगे, प्रॉब्लम्स को देखोगे, समझोगे और वो काम फाइनल करके आओगे। वी आर वेरी लकी अगर हम सब की लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपकी भावनाओं को समझता भी है और साथ साथ उसके अनुसार कार्य भी करता है। बहुत रेयरली ऐसे आपको लाइफ में मिलते हैं, और जो भी अगर इंसान आपको ऐसा मिले किसी भी रूप में, कभी भी उस इंसान की डिसरिस्पेक्ट मत करना, क्योंकि भावनाओं को समझने वाले तो लोग मिल जाएंगे पर उसको समझते हुए उस प्रॉब्लम को दूर करने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो ये चीज सेलोवी ने कही थी कि भावनात्मक सुगमता भी किसके अंतर्गत आती है? इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत। और चौथा है, चौथा पॉइंट है, मैं पिक्चर ज्यादा देखती हूँ या नहीं हूँ डजेंट मैटर, पर शशि भूषण मिश्रा, मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम सब शिक्षक हैं और शिक्षक जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता है ना तो उसको पढ़ाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स कोट करने पड़ते हैं। इंडक्टिव इंडक्टिव मेथड यही है ना, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आप बच्चों को पढ़ाइए। उदाहरण आते कहाँ से हैं? या तो हमारे जीवन में इतनी घटनाएं हो, और मेरे जीवन में इतनी घटनाएं नहीं घटती कि हम टॉपिक के रिगार्डिंग 5-6 एग्जाम्पल लेकर आए, तो एग्जाम्पल्स हम लाएंगे कहाँ से? या तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से हम एग्जाम्पल लें, पर पॉलिटिकल एस्पेक्ट से हम कुछ बोलेंगे आधे लोगों को बुरा लग जाएगा, क्योंकि हमारे समाज में पॉलिटिकल व्यूज देने वालों को कैटेगरी डिवाइडेड है, ये तो आप जानते ही अच्छे से। तो इट वुड बी बेटर जो हमारे समाज का आईना है फिल्म, उसमें घट रही कुछ सीन्स हमारे टॉपिक के कुछ कंटेंट को डिनोट करते हैं, तो वो चीज़ कोट कर देने में लॉस ही क्या है, चीज़ें समझ में आने से मतलब है। और उदाहरण इंसान समाज से ही तो लेता है, और फिल्म में कोई हाइपोथेटिकल या आर्टिफिशियल कंटेंट नहीं होता, वो हमारे समाज का एक हिस्सा है। तो एंजॉय, एग्जाम्पल एंजॉय। चलिए लास्ट है, भावनात्मक नियंत्रण। भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल। ये चार ब्रांचेस सेलोई मेयर ने इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत दी थी, जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा था बहुत प्यारे कमेंट्स हैं आप लोगों के चलिए कम टू द पॉइंट। तो सेलोवी और मेयर ने ये चार ब्रांचेस दिए थे, ध्यान रखिएगा प्रश्न क्या आता है इमोशनल इंटेलिजेंस में, सेलोवी और मेयर के चार ब्रांचेस में से क्या है और डेनियल गोलमैन के ब्रांचेस में से क्या है, ब्रांचेस का ध्यान रखिएगा ठीक है। तो सेलोवी एंड मेयर ने चार ब्रांचेस दिए थे कि इमोशनल इंटेलिजेंस किसी व्यक्ति का अगर चेक करना हो तो इन चार एस्पेक्ट से चेक कर सकते हैं। क्या वो अशाब्दिक भावों को समझ सकता है? क्या संज्ञानात्मक भावना की समझ है, मतलब अंडरस्टैंड, समझ रहा है किसी भावना को, या भावना को समझ के उसके अनुसार कार्य भी कर सकता है? और भावनात्मक नियंत्रण कितना है, मतलब अगर किसी चीज पे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है तो गुस्से का आवेश क्या है? ऑब्वियसली अगर आप किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूट में है, आपको अपने कलीग पे या सीनियर पे या हेड पे या प्रिंसिपल या छोटी किसी पे भी गुस्सा आ रहा है, ऑब्वियसली आप उस पर गुस्सा नहीं करोगे ना, क्योंकि वो समय की मांग है। तो नियंत्रण रखोगे ना, खून का घूंट पी के ही रहोगे ना, तो ये होना चाहिए, अच्छी चीज है कि अगर आपको किसी फॉर्मल प्लेस पे किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है तो यू हैव टू कंट्रोल।
सेम चीज अगर आप बहुत किसी सिचुएशन पे खुश हो रहे हो तो उत्साह दिखाने का भी एक तरीका है, उसमें बंदर नहीं बनना चाहता ना खुश होके, वो भी बहुत संतुलित वे में। तो भावना का नियंत्रण है ना, गुस्सा और खुशी बहुत नियंत्रित वे में आप प्रेजेंट करें, यही है भावनात्मक नियंत्रण। तो अब चलते हैं हम डैनियल गोलमेन के ब्रांच पे। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने 4 ब्रांच दिए थे और डैनियल गोलमेन ने 5 ब्रांच दिए थे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं डैनियल गोलमेन के ब्रांच पे। पहला ब्रांच, सेल्फ अवेयरनेस, जिसकी हिंदी है स्व जागरूकता। ये बात याद रखिएगा, डैनियल गोलमेन जी ने इन्हीं के काम को आगे बढ़ाया था। सेलोवी और मेयर के ही काम को आगे बढ़ा के ब्रांचेस दी थी। तो सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस, किस चीज की सेल्फ अवेयरनेस, इमोशंस की, सेल्फ अवेयरनेस ऑफ इमोशन, ठीक है। भावना की स्व जागरूकता, यहाँ पे कह सकते हैं भावना की स्व जागरूकता। भावना की स्व जागरूकता, भावना की स्व जागरूकता से समझ रहे ना, भावना की स्व जागरूकता का मतलब कि कब किस सिचुएशन में कौन सी भावना उमड़ कर आ रही है, तो उस पर कंट्रोल कैसे रखना है। कंट्रोल नहीं, सॉरी, नॉट द वर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके प्रति आप जागरूक कितना है। जैसे किसी सिचुएशन को लेकर के वो कहते हैं ना, तुम्हारा खून है कि पानी, ऐसा एक शब्द होता है ना, क्यों, मतलब कभी कोई सिचुएशन ऐसी है गुस्से वाली पर आपको गुस्सा ही नहीं आ रहा। सेम चीज, जैसे कोई इंसान कुछ गलत कर रहा हो आपके सामने पर आपको कुछ महसूस ही नहीं और आप निकल जा रहे हैं, तो आपको आसपास हो रही चीजों में, जो भी भावनात्मक चीजें होती हैं आसपास, उसके प्रति जागरूकता होना बहुत जरूरी है। आपको चीजें अच्छी और बुरी लगनी चाहिए। अगर आप चीजों को अच्छी बुरी से ऊपर उठ चुके हो तो तटस्थ हो, और अगर तटस्थ हो तो भगवान हो, पर हम भगवान नहीं ना, हम तो इंसान है, हमें फील होता है, या फिर हम पत्थर है, और पत्थर वाला इंसान मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस उसके पास 0 है, और ऐसा व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। मैं इमोशनल इंटेलिजेंस का आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक लड़का है, मतलब हाइपोथेटिकली, वास्तव में कोई नहीं, हाइपोथेटिकली एक लड़का है, पढ़ने में सोसो है, सोसो पढ़ लिया, सो सो उसकी जॉब लग गई, मतलब एवरेज है, एवरेजली उसको किसी कंपनी में जॉब लग गई, कंपनी में नॉर्मल सी उसको एक पोस्ट मिल गई। वो वहाँ पे जिस भी वे में बड़ा खुशी से अपना काम करता है, आसपास के लोगों को भी खुश रखता है, जितना उसको टास्क मिलता है उसको करता है, नहीं कर पाता अपने बॉस से कहता है अरे सर आज नहीं कर पाया, कल कर लूंगा, अरे सर काम आपका टाइम पे हो जाएगा, आप घबराइए नहीं, हम है ना, बस ऐसे ऐसे करके हम कर देंगे। इस तरह से करके वो काम को इंजॉय करता है, काम को टाइम पर असली पास भी करता है, बहुत सारी चीजें वो इस तरह से करता है। तो ये है एक इमोशनल इंटेलिजेंस वाला इंसान, जो हर चीज को बहुत खुशी खुशी हैंडल कर ले रहा है। चीजें नहीं भी हैंडल हो पा रही तो कि यार मुझसे नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मुझे क्या, तो फिर बताओ या तो फिर कोई और इस चीज को फॉरवर्ड करे। 1 सेकेंड, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, मैं ये कह रही थी कि वो आराम से चीजों को हैंडल कर ले रहा है। एक इंसान है, वो टॉपर है उसी ऑफिस में, वो हाई स्कूल 90%, इंटर 90%, 90 सोलो मैंने कम कह दिया, 95%, 97%, 98%, इतना अच्छा कि उसका कैंपस सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो गया, बहुत अच्छी पोस्ट पर है, पर वो चुपचाप चुपचाप क्या करता है, सिर्फ अपना काम करता है, जितना उसके बॉस ने काम दिया उतना काम किया, काम खत्म किया, चला गया, आसपास किसी से लोगों से बात नहीं करना, किसी भी इंसान से मिंगल नहीं होना। अब उसकी टीम में एक लड़की आ गई, अब वो घबरा रहा है कि मुझे उससे बात करनी है कि नहीं करनी है, मुझे अपने काम पे फोकस करना है कि नहीं, अरे सर ने भी क्या प्रेशर दे के रख दिया, एक लड़की मेरे उसमें रख दी, और वो जो नॉर्मल एवरेज वाला है वो बड़ा खुश है, अरे ठीक है हमारी टीम बढ़ रही है, हम लोग मिलजुल के काम करेंगे, टास्क बांट बांट के करते हैं। ये फर्क है इमोशनल इंटेलिजेंस और आईक्यू वाले में। आईक्यू वाला बंदा सिर्फ काम पे फोकस करता है, आसपास की चीजों से उसे कोई मतलब नहीं, आसपास के बिहेवियर से उसे कोई मतलब नहीं, आसपास के लोगों के कम होने ज्यादा होने से कोई मतलब नहीं। इवन अच्छे आईक्यू वालों जो होते हैं, अगर उनका ईआई अच्छा नहीं होता, उनके आसपास लोग आ जाते तो उनको उससे भी इरिटेशन होती, क्योंकि उनको लगता है कि वो परफेक्ट है, हम अपना काम कर लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस वाला इंसान जो होता है वो इन्वायरमेंट को हल्का रखता है,
इंथुजियास्टिक रखता है, सबके साथ खुलता मिलता है, अपनी कमियों को भी स्वीकार करता है। सामने वाला अच्छा काम कर रहा है तो उससे भी बड़ा खुश होता है, यार तुमने तो बड़ा अच्छा काम कर लिया, या तुम्हें तो बड़ा अच्छा टैलेंट है। पर आईक्यू वाला अच्छे, यार उसने मुझसे अच्छा कैसे कर लिया, बस चार किताबें ले आया पढ़ना शुरू, वो मुझसे परफेक्ट कैसे हुआ। ये है डिस्टर्बेंस और नॉन डिस्टर्बेंस की चेन। इसीलिए आईक्यू से अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है, वो हमारे दिमाग को बहुत हेल्दी रखता है, बहुत ज्यादा हेल्दी रखता है। तो यही है डिफ्रेंसिएशन। तो इसी चीज को सोचिए, इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने पकड़ा था कि अच्छा आईक्यू करके हम करेंगे क्या। तो अच्छे आईक्यू से अच्छा है कि अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंस रखो ना, भावनाओं को समझो, सिचुएशन को समझो, कंटेंट को समझो, काम करने के तरीके को समझो, प्रस्तुत कैसे करते हैं, इन सब चीजों को समझो। बस समझना ही तो है, और करना क्या है। चलिए तो अब हम चलते दूसरी चीज पे। दूसरा है इनका, दूसरे की भावना को महसूस करना, दूसरे की भावना को महसूस करना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एम्पैथी। ये तो हमने मेयर और सेलोवी में भी डिस्कस कर लिया था, दूसरे की भावना को महसूस करना, कि दूसरा जो भी है हम उसे महसूस कर ले, उसके फीलिंग्स और इमोशंस को। तीसरा है सेल्फ रेगुलेशन, स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, स्वनियमन। ये देखिए इन्होंने नया शब्द दिया, स्वनियमन। स्वनियमन का मतलब है आवेशों का नियंत्रण। आप अपने आवेश में कितना स्वयं में भावनात्मक नियंत्रण रख पाते हैं, भावनात्मक नियंत्रण कितना है आपके अंदर, ये आपका स्वनियमन कहलाता है, कि आप सेल्फली कितना रेगुलेट हो खुद को लेकर, आप आवेशों पे कितना नियंत्रण रख पा रहे हो। आवेशों पे मतलब कोई आपको गुस्सा दिला नहीं सकता। अगर किसी ने आपको गुस्सा दिला दिया तो इसका मतलब है कि यू आर अ वीक पर्सनैलिटी ना, किसी दूसरे की वजह से आप गुस्सा कैसे हो सकते हैं। फिर आता है तीसरा, मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब प्रेरणा, और सॉरी ये तीसरा नहीं, ये चौथा है। चौथा, फिर है पांचवा सोशल स्किल, सोशल स्किल, सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल को इमोशनल इंटेलिजेंस में जोड़ने का एक रीजन ये जुड़ा था कि सोशल स्किल को इन्होंने इसलिए जोड़ा था, इन्होंने हाँ सोशल स्किल को गोलमैन जी ने क्यों डाला था इमोशनल इंटेलिजेंस में, क्योंकि इन्होंने कहा था कि सामाजिक क्षेत्र में कई बार ऐसी चीजें घटती हैं हमारे आसपास कि हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है कि हमें सोशली, हमें इमोशनली से ज्यादा सोशल कम्युनिकेशन के माध्यम से उस चीज को हैंडल करना पड़ता है। जैसे बहुत नॉर्मल सी बात है, जैसे मैं अपनी एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे कोई भी दुनिया का माइकल लाल गुस्सा नहीं दिला सकता। हाँ अगर मुझे गुस्सा कभी आता है तो गुस्सा आने की बस एक वजह हमेशा रहती है कि मुझे कभी भी, व्यक्ति जब अपनी उम्र और पद के अनुसार कार्य व्यवहार नहीं करता तब मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा इसलिए आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग हमारी सोसाइटी में क्या है, भारत में हम लोग बहुत आसानी से किसी नेता को कुछ भी बोल देते हैं कि नेता अयोग्य है, नेता अनपढ़ है, नेता ये है, नेता वो है, कोई भी पॉलिटिशियन को। लेकिन हम लोग किसी जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है किसी भी सेक्टर का, बैंक से लेकर के किसी भी क्षेत्र में, वहां पे भी कई बार ऐसे लोग होते हैं जो एक अच्छे रेपुटेटेड पोस्ट पर होते हैं, पर उसके अनुसार उनका कार्य व्यवहार, अभद्र भाषा और सभ्यता थोड़ी सी कम होती है। तो मुझे इस चीज पे गुस्सा नहीं आता कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं, मुझे इस चीज पे गुस्सा आता है कि इतने बड़े पद पे ऐसा व्यक्ति कैसे बैठ गया, पद की गरिमा का हनन है। तो यहाँ इस लेवल पे गुस्सा आता है। तो यहाँ पे सोशल स्किल देखिए इन्होंने डाली कैसे, इन्होंने डाला कि जब भी हम इमोशनली आसपास की चीजों को भावनात्मक रूप से चेक करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा कुछ इमोशनली घटे ऐसा तो है नहीं, कभी कभी
आवेशात्मक भी चीजें बहुत घटती हैं, अनियंत्रित। तो अनियंत्रित चीजें घट रही तो आप कंट्रोल कैसे करते? जैसे आपके सामने कोई असभ्य व्यवहार कर रहा है, अभद्र व्यवहार कर रहा है, बुरा व्यवहार कर रहा है, या फिर वो आपको लेट डाउन या नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा, करते हैं लोग हमारी सोसाइटी में, हर कोई करता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश जरूर करता है। अब इमोशनली इस चीज को आपको हैंडल कैसे करना है? तो मेरा तो सबसे अच्छा रूल है, जैसे मैं हमेशा तुलसीदास जी के एक स्टेटमेंट को बड़ा फॉलो करती हूँ, वंदव प्रसम असज्जन चरणा। एक असज्जन व्यक्ति को साक्षात दंडवत प्रणाम करके बगल से निकल चलो, आप उससे कभी उलझो नहीं। ये सोशल स्किल है, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए एंटरटेनमेंट यही है, आपको नीचा दिखाना, आपको परेशान करना, आपके साथ बुरा व्यवहार करना। पर आप क्या, हमें बुरा लगता है क्योंकि हमारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट है। ऑब्वियसली जिसके पास भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी उसे बुरा लगेगा, उसने मुझसे कहा कैसे, बिना मेरी गलती के मेरे साथ बुरा किया कैसे। लेकिन इमोशनली क्या है, हाउ टू कंट्रोल योर सेल्फ कि यार मुझे इससे नहीं, मुझे लाइफ के और बड़े बड़े टास्क पे उलझना है। इससे उलझ के रह गए तो यहीं पर ही अटक गए, इससे आगे बढ़ेंगे तो बड़े लेवल का टास्क से उलझते वो मजेदार होगा। हम ऐसे छोटे कहते निम्न स्तरीय व्यवहार पे क्यों उलझे? तो यहाँ पे गोलमैन ने कहा था कि सोशल स्किल इमोशनल इंटेलिजेंस में जोड़ने का रीजन ये है कि सामाजिक कौशल का प्रयोग करते हुए किसी की भावना को कैसे मैनिपुलेट करना है। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपके साथ असभ्य व्यवहार कर रहा है, बस प्रणाम करते, अरे वाह क्या आपने व्यवहार किया, मजा आ गया, मैं आपके व्यवहार से गदगद हूँ, अब आप ये कार्य करें तो हम आगे बढ़े। ये क्या है, एक तो मैनिपुलेशन हुआ ना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति सोशल स्किल के आधार पे बहुत अच्छे से एक असभ्य व्यक्ति को भी सीधा कर सकता है। इस चीज का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं, आरजे करिश्मा, आई थिंक आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते तो सुन लीजिए उसका मीम्स। वो बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे वीडियोज बनाती है, 70-80 सेकेंड के, सास बहू वाले। उस पर वो इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे से यूज करती है। उसका मैं एक सीन आपको बताती हूँ कि उसकी ननद बार बार उसके कपड़े मांगती रहती है। तो एक बार क्या होता है, वो कहती है कि मैं अपनी अलमारी ही वहां भिजवा दे रही हूँ। तो सास कहती है क्यों भिजवा रही, क्योंकि मुझसे ज्यादा मेरे कपड़े तो मेरी उनको लगते, दीदी को लगते हैं। तो उसके साथ गुस्से में, और वो कुछ भी लेकर आती है तो उसकी सास गुस्सा ही रहती है। एक बार टमाटर लेकर आती है तो उसकी सास कॉमेंट करती है, तुम कैसे छोटे मोटे टमाटर लेकर आए, कोई छोटे कोई टेढ़े हैं। तो फिर वो कुछ नहीं बोलती है। अगले दिन सास पूछती है टमाटर कहाँ गए सारे, तो कहती है मैंने उनको जिम भेज दिया वर्कआउट करने के लिए। क्या है, आप हर किसी से उलझ नहीं सकते ना। तो हाउ टू टैकल दोस पर्सन, मतलब उस ऐसे इंसानों से किस तरह से टैकल करें इमोशनली कि उस इंसान को बुरा भी ना लगे और आपका काम भी बन जाए। ये बहुत स्मार्ट तरीका है। इसलिए गोलमैन जी ने पांचवा जो स्टेज दिया था सोशल स्किल, वो यही था कि सामाजिक कौशल के आधार पे आप भावनात्मक रूप से किसी समस्या का समाधान कैसे करते हैं। चलिए, हाँ आरजे करिश्मा के वीडियो देखिए, सेंस ऑफ ह्यूमर और इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉकटेल है उसका पूरा वीडियो। चलिए अब कम टू द पॉइंट, ये पांच चीजें क्लियर है। डेनियल गोलमैन ने पांच ब्रांच दी थी, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन एंड सोशल स्किल। इसको मैं आपको एक इमेज में दिखाती हूँ, ये देखिए, ये पांच चीजें स्पेशली गोलमैन जी के द्वारा दी गई हैं और इन्हीं से क्वेश्चन पूछता है, यही पूछेगा चार पांच दे करके इनमें से क्या नहीं है। यूजीसी यही पूछता है और आपके हायर के एग्जाम में तो सीधा सीधा पूछेगा निम्नलिखित में से क्या है। तो आपको ये पांचों पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि पीटर सेलोवी और मेयर के आधार पर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इनके काम को आगे बढ़ाया था। तो अब आगे चलते हैं, ये जो पॉइंट था, ये पांच पॉइंट, ये पांच इनके डेनियल के जो पांच पॉइंट थे, इसको इन्होंने दो कंपोनेंट्स में बांटा था। अब हमें ये स्टडी करना है, ये लास्ट है हमारा, डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट, मतलब दो घटकों में बांटा। अब वो दो घटक देखते हैं क्या है। ये दो घटक से क्वेश्चन आते हैं इसलिए दो घटक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला नाम है पर्सनल कंपोनेंट, जिसकी हिंदी है व्यक्तिगत घटक, और दूसरा नाम है इंटरपर्सनल कंपोनेंट,
इंटरपर्सनल कंपोनेंट को मैं शॉर्ट में सी कर दे रही हूं, जिसकी हिंदी है पारस्परिक घटक, पारस्परिक घटक। ठीक है, अब इसमें चलते हैं क्या है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो क्वेश्चन आते हैं पर्सनल और इंटरपर्सनल से ही आते हैं, इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसमें इन्होंने क्या क्या रखा है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस जिसकी हिंदी थी स्व जागरूकता, याद है सेल्फ अवेयरनेस पहला, दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, स्वनियमन जिसकी हिंदी थी स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, मैं हिंदी नहीं लिख रही क्योंकि हिंदी हम डिस्कस कर चुके हैं, तीसरा है मोटिवेशन प्रेरणा, मोटिवेशन प्रेरणा, चौथा है, चौथा जो उनके बाकी के दो बचे थे, सबसे पहला क्या था आपका एम्पैथी, जिसमें दूसरे की भावना को समझना होता है, और पांचवा क्या था सोशल स्किल, सामाजिक कौशल। अब ध्यान दीजिए पर्सनल स्किल में है वो बातें जो आप व्यक्तिगत भावना के संदर्भ में, आपका अवेयरनेस भावना को लेके, आपका स्वनियमन और आपकी प्रेरणा, और ये एम्पैथी क्या है दूसरों की भावनाओं को समझना, और सोशल स्किल मतलब दूसरों से व्यवहार करना। अब एक चीज और यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ, यूजीसी हमेशा मिला के क्वेश्चन पूछती है इंटरलिंक करके, इनका ये पर्सनल कंपोनेंट और इंटरपर्सनल कंपोनेंट गॉर्डनर के सिद्धांत से मिलता है। जैसे यूजीसी पूछती ना कि प्रकृतिवाद मतलब कौन सा दर्शन ऐसा है जो डार्विन के सिद्धांत के जैसा है कि समकक्ष आता है, प्रकृतिवाद आता है कि नहीं आता, सेम ऐसा क्वेश्चन इसमें भी पूछा जा सकता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस में डेनियल गोलमैन के कंपोनेंट को बुद्धि के और किस सिद्धांत के हम समकक्ष ला सकते हैं, तो गॉर्डनर महोदय के ला सकते हैं क्योंकि इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल उन्होंने दिया था गार्डनर, गार्डनर जिसको हिंदी में लोग बोलते हैं, तो इस गार्डनर के सिद्धांत के ये कंपोनेंट समकक्ष है। क्लियर है इतनी सी बात? तो ये था हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर इस पूरी थ्योरी का अगर हम निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष यही निकल कर आता है जो डेनियल गोलमैन ने दिया था कि भावनात्मक योग्यता जन्मजात नहीं होती है, भावनात्मक योग्यता सीखी जाती है, और भावनात्मक योग्यता आईक्यू लेवल पर आधारित नहीं होती, भावनात्मक योग्यता हमारी कंप्रिहेंशन लेवल समझ के स्तर पर आधारित होती है। व्यक्ति का आसपास की लोगों की भावनाओं को समझने का स्तर उनके व्यवहार की कहते ना गहराई का बारे में बताता है, या उनके व्यवहार का कंप्रिहेंशन बोधात्मक स्तर का वर्णन करता है। और सही बात है, एक व्यक्ति 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 तभी है जब वो किसी की भावना को समझे। भावनाओं को ना समझने वाला व्यक्ति अच्छा आईक्यू लेकर के, जैसे किताबी कीड़ा टाइप के लोग नहीं होते, वो जो मोटा चश्मा लगा के किताब में बस पढ़े ही रहते हैं, बाकी दीन दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं है, ये अच्छे आईक्यू वाले हैं। पर एक अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति पढ़ने में भले ही एवरेज क्यों ना हो, लेकिन एक्चुअल में सफल वही होता है। इसीलिए वर्तमान में इंटेलिजेंस थ्योरी में आईक्यू लेवल से ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस की भूमिका बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलिए, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया हो। टॉपिक में आप दो तीन चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहला यही है आपको जो याद रखना है कि मेयर सेलोवी ने कौन सा टेस्ट बनाया था, और किस ईयर में डेनियल गोलमैन ने सिद्धांत दिया था। ब्रांचेस में सेलोवी और मेयर की ब्रांच चार थी, और इन्हीं के काम को गोलमैन ने पांच ब्रांच बढ़ा के किया था, और फिर उसी पांच ब्रांच को इन्होंने दो भाग में डिवाइड कर दिया था, पर्सनल कॉम्पोनेंट और इंटरपर्सनल कॉम्पोनेंट। ये है इमोशनल इंटेलिजेंस का सिद्धांत गोलमैन का। आई होप आपको समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर joining and